हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। लेक्चर नंबर 3 जो है वो हमारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ करंट डेंसिटी का, कंडक्टिविटी का, रेजिस्टिविटी का रिलेशन क्या आएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहले मैं टाइटल डाल देता हूं यहां पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है उसकी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वो रैंडम होगी। वो जो कंडक्टर के अंदर अपनी कुछ ना कुछ डायरेक्शन में मोशन कर रहे होंगे, उनकी मोशन हो रही होगी अंदर। लेकिन यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना करें, उससे पहले भी कंडक्टर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, जीरो। बिकॉज हम पढ़ चुके हैं, इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर कि उसके अंदर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है, जो ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 में डिस्कस करा है। ओके, कंडक्टर्स के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करा है। अब सपोज कर लो कि इफ वी अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि हम यहां पे इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ का है, मतलब कि पॉजिटिव इस तरफ होने चाहिए, तो जो चार्ज एक्यूमुलेट हुए हैं उसमें सब पॉजिटिव इस तरफ हो जाएंगे, नेगेटिव सारे इस तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ओके, तो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्सटर्नल जो है, ओके, इस तरफ का, इसलिए यहाँ पे चार्ज जो हमारे एक्यूमुलेट होंगे वो नेगेटिव होंगे, क्योंकि पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, और इस तरफ क्या होगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा। तो इस तरफ सारे नेगेटिव चार्ज होंगे, इस तरफ सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। चार्ज इंड्यूस होने के बाद, इंड्यूस हुए चार्ज के लिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो ये जो रेड कलर का है वो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस होने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो ई इनसाइड है, और एक्सटर्नल जो है वो इस तरह से है, इस तरह से, इस तरह से। यानी जितना हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था उतने चार्ज इंड्यूस हुए, और चार्ज इस तरह से इंड्यूस हुए कि वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट आ गए। ओके, तो यहां पे जितना हमारी रेड कलर की लाइंस होगी अंदर इंड्यूस हुई, वो ब्लैक कलर को क्या करेगी, अपोज करेगी, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल के बराबर आएगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, डायरेक्शन नेगेटिव होगी। तो अब हम इस तरफ ले आते हैं इसको, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। ओके, यानी कि आप कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखो या ना रखो, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही होगा, क्योंकि नहीं रखोगे तो भी जितने पॉजिटिव आयन्स हैं उतने नेगेटिव होंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, और अगर हमने उसको एक्सटर्नल फील्ड में रख भी दिया तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो जाएंगे और अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डेवलप करेंगे। ओके, ये जो रेड कलर का है वो इनसाइड है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ प्रोड्यूस हुआ है, और ब्लैक कलर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैंने दिखाया है यहाँ पे ब्लैक पेन से, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, वो एक्सटर्नल है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, और नेट हमें जो मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू आएगी जीरो। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी जो कि हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में लर्न की थी।
ओके अब दूसरी एक बात, यहाँ पे मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मिटा देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम यहाँ से मिटा देते हैं। कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल लें तो उनके अंदर क्या होते हैं, हैवी पॉजिटिव आयंस फिक्स्ड होते हैं। हैवी पॉजिटिव आयंस आर फिक्स्ड एट दैट लैटाइस पोजिशन, अपनी लैटाइस पोजिशन पे वो लोग फिक्स रहते हैं इस तरह से। ओके अब जो इलेक्ट्रॉन हमारा होगा जो मोशन कर रहा होगा, ओके वो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो भी प्रेजेंट नहीं है तो उसकी मोशन एकदम रैंडम डायरेक्शन में होगी, कभी इधर गया कोलाइड हुआ, इधर गया कोलाइड हुआ, इधर गया कोलाइड हुआ, इस तरह से रैंडम डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा होगा। ओके तो वो उसकी थर्मल स्पीड कहलाएगी, राइट, दैट इज अ थर्मल स्पीड। और थर्मल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला आता है 3/2 kBT। ओके और एनर्जी जो हमारी बनेगी यहाँ पे, उसकी वजह से हम यहाँ पे 1/2 mv² लेके उसकी स्पीड अगर फाइंड करेंगे थर्मल स्पीड, तो वो आएगी 10^5 m/s। अप्रोक्सीमेटली उसकी स्पीड 10^5 m/s आएगी, विच इज वेरी लार्ज, बहुत ही लार्ज स्पीड रहेगी। ओके क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा, इधर गया कोलाइड किया, फिर इधर गया कोलाइड किया, फिर इधर गया कोलाइड किया, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो पूरी तरह से रैंडम होगी यहाँ पे। ओके लेकिन यहाँ पे उसके पास रूम टेम्परेचर जितना टेम्परेचर होगा, राइट, कोई भी कंडक्टर हमने वहां पे उसको रखा है तो एक स्टेबल टेम्परेचर ऑप्टेन करेगा। एटमोस सराउंडिंग का टेम्परेचर जो होगा एटमोसफियर का, वही टेम्परेचर वो कैरी करेगा, यानी उसका जो मोलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेगा और उसकी जो थर्मल स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 10^5 m/s जितनी थर्मल स्पीड आएगी। ओके लेकिन हमें यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें कितनी मिलेगी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम किसे बोलेंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और साथ में एक बैटरी लगा लेते हैं। अब बैटरी लगाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में चलेगा। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में चलेगा, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो उसको क्या होगा, फोर्स लगेगा, राइट। तो वो बात हम डिस्कस करते हैं, मैं नए सिरे से वापस डायग्राम बनाता हूँ, इसको मिटा देते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरह से वर्क करती है, उसका फॉर्मूला किस तरह से बनता है, हम उसकी डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से उसका कोलिजन होगा और कोलिजन रैंडम होगा और रैंडम कोलिजन की उसकी जो स्पीड रहेगी थर्मल स्पीड वो कितनी रहेगी, 10^5 जितनी तो रहेगी ही रहेगी, राइट। अब मान लो कि जो कंडक्टर था, इस तरह से मैं उसका डायग्राम वापस बनाता हूं, हम यहां पे क्या करते हैं, इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं ई, राइट, इस तरफ का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है और यहां पे हम इसके दोनों पॉइंट पे एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। डायग्राम मैंने इसलिए बड़ा बनाया है ताकि आप लोगों को यहां पे मैं बता सकूं कि किस तरफ से रैंडम मोशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके मान लो कि अभी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी है और इनके अंदर जो पॉजिटिव आयंस रहेंगे वो इस तरह से अपनी लैटाइस पोजीशन पे फिक्स रहेंगे, इस तरह से अपनी लैटाइस पोजीशन पे फिक्स रहेंगे, राइट। अब मान लो इलेक्ट्रॉन हमारा मोशन कर रहा है, यहां कोलाइड किया, फिर यहां कोलाइड किया, फिर यहां कोलाइड किया, इस तरह से कोलिजन करता करता अपनी मोशन करेगा, रैंडम डायरेक्शन में कोलिजन करता करता मोशन करेगा। ओके और उसकी जो मोशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, पहली बार मोशन उसने यहां से यहां की तो उसकी वेलोसिटी v1 है, उसके बाद वापस दूसरी मोशन करी उसकी वेलोसिटी v2 है, फिर वापस मान लो थर्ड मोशन करी यहां से यहां उसकी वेलोसिटी v3 है, फिर इस तरह से उसकी वेलोसिटी vn तक रहेगी और n हम ले लेंगे एवरेज, यानी ये जो हमें मिलेगी वो उसकी क्या मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। ओके अब यहां पे क्या होगा, आप देखो पहले इस तरफ गया, राइट, उसके बाद राइट साइड लेफ्ट साइड गया, उसके बाद राइट साइड आया, फिर वापस अपर डायरेक्शन में गया,
वापस राइट आया, डाउन साइड आया, तो कभी राइट कभी लेफ्ट कभी डाउन कभी अप, हर बार क्या कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है। तो रैंडम मोशन की वजह से उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगी, राइट। यहां पे आप देखो कि वो कोलिजन जो करेगा उसकी थर्मल स्पीड कितनी होगी, अभी हमने देखा उसकी थर्मल स्पीड होगी 10^5 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 10^5 मीटर, बहुत ही स्पीड में वो ऐसे रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा और बार बार कोलिजन होगा। अब किसी भी चीज से कोलिजन होता है तो स्पीड डिक्रीज होकर ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, फिर वापस वो मोशन करेगा, वापस कोलाइड कर जाएगा उतनी देर में, तो उसकी जो एवरेज निकल के आएगी वो एवरेज वेलोसिटी यहां पे हमें कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी। जो एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो यहां पे हमें जीरो मिलेगी। तो हमें यहां पता चला कि उसकी जो एवरेज वेलोसिटी आई वो जीरो आई, क्योंकि मैंने यहां पे हर एक को जोड़ा है, देखो v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश डैश अप टू vn, n सबका एवरेज लेंगे तो हमें बोला कि एक का भी एवरेज जीरो आएगा, मोशन इतनी रैंडम होगी इसलिए कोलाइड करेगा जीरो हो जाएगी, वापस मोशन करेगा कोलाइड करेगा जीरो हो जाएगी। इस तरह से कोलिजन करते करते हमें जो फाइनल वेलोसिटी मिलकर आएगी तो अरे की कितनी होगी, जीरो होगी। तो इसको हम थोड़ा प्रॉपरली लिखते हैं, ओके। और फिर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से उसके अंदर क्या फर्क पड़ता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी उसकी जीरो आएगी, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज डिफाइंड एज, अब देखो हमारे पास यहाँ पे जितने भी हैं उतने को हम एडिशन करेंगे, I इज इक्वल टू 1 to n, ओके, I इज इक्वल टू 1 to n, v1 प्लस v2 प्लस डैश डैश vn अपॉन n। अब हम यहाँ क्या कर लेंगे, n को आगे निकाल लेंगे, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, और हर एक का समेशन यहाँ पे क्या आ रहा है अपना, जीरो vi, ओके। तो टोटल अपना यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, इसको हम जीरो ले लेते हैं। जितनी भी हमारी वेलोसिटी है सबका समेशन यहाँ पे क्या निकल के आएगा, इनिशियल एवरेज अपना जीरो निकल के आएगा। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया कि उसका जो समेशन आ रहा है वो समेशन कितना आ रहा है, जीरो, ओके। हमें यहाँ पे टोटल उनका जीरो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरफ मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, यहाँ पे हमने अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा है, ओके, इस तरफ का हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आगे हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगेगा, हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। यहां मैं दिखाता हूं आपको, यहां पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ अप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इलेक्ट्रॉन को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स लगेगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन है फोर्स लगेगा माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इसी तरफ का हो और पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको इस तरफ फोर्स लगेगा, ओके, और उसकी फॉर्मूला आएगी प्लस ई कैपिटल ई। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, जो कि माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई रहता है, और पॉजिटिव चार्ज अगर हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है प्लस ई कैपिटल ई, जिसकी डायरेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी हमने डिस्कस करा था कि नेगेटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज जो भी होगा वो ऑलवेज क्या करेगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मोशन करेगा। ये बात आपको अच्छे से समझनी है कि नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, क्योंकि उसके ऊपर जेई मेंस 2023 में क्वेश्चन भी आया है, जो ये थियरी खत्म होने के बाद हम करने वाले हैं, ओके। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, जैसे मैंने ऊपर दिखा रखा है, जैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होगी वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मान लो पहले अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो ए से बी पे आ रहा था,
इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है तो थोड़ा सा ड्रैग होते हुए मोशन करेगा, इस तरह से ड्रैग होते होते मोशन करेगा, जो मैं रेड कलर की डॉटेड लाइन से आपको दिखा रहा हूं। पहले जो इलेक्ट्रॉन बी पे पहुंच रहा था अब वो बी डैस पे पहुंचेगा। ओके, ड्रिफ्ट का मीनिंग होता है ड्रैग होना। ओके, फोर्स में वो ड्रैग होगा। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो हम यहां उसके फोर्स को डिफाइन करते हैं, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज F इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई, है ना, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस रहता है, तो F इज इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई। और फोर्स कितना लगता है अपना मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है, F इज इक्वल टू एम ए माइनस ई कैपिटल ई। तो एक्सेलरेशन जो निकल के आया वो कितना आया, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया, इसको हम इक्वेशन वन दे देते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, वेर कैपिटल ई जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्मॉल ई दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड जो एम है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर हमारा इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये चीज हमें यहाँ पे मिल गई, ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी कि इस तरह से उसके ऊपर फोर्स लगता है। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखना, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो इलेक्ट्रॉन ऐसे स्ट्रेट मोशन नहीं करेगा, उसका मोशन पूरा कर्व्ड रहेगा। मान लो यहाँ पे उसने कोलिजन करी, उसके बाद यहाँ कोलिजन कर रहा है, तो पूरा वो अट्रैक इस तरह से करेगा कर्व्ड फॉर्म में, फिर वापस दूसरी जगह करेगा तो इस तरह से करेगा कर्व्ड फॉर्म में, वापस सपोज इधर आया तो कर्व्ड फॉर्म में आया, इस तरह से वो कर्व्ड फॉर्म में मोशन करेगा, एग्जैक्टली स्ट्रेट मोशन नहीं रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव आयन ने अट्रैक करा तो वो पूरा मोशन करेगा, वो ऐसे ध्यान नहीं देगा कि मैं स्ट्रेट ही जाऊं, राइट, वो अट्रैक्ट हो जाएगा फटाक से। ओके, क्योंकि जो लैटाइज पॉइंट है उनके आसपास और भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्योंकि अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, तो इस तरह से वो कर्व्ड मोशन करेगा, वो हमें यहां बात समझनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहां पे और हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो सपोज मान लो यहां से यहां तक उसने मोशन करी, कोलिजन हुआ, हैवी पॉजिटिव चार्ज अंदर जो रहते हैं जो कि रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, ओके, उनके साथ उसका कोलिजन होगा, राइट। अब जो ये कोलिजन हो रहा है उसकी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि कितनी है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर फर्स्ट कोलिजन हम ले लेते हैं वी आई इज इक्वल टू वी आई इनिशियल, ये अपना कैपिटल वी में बता देता हूं, और ये इनिशियल उसकी वेलोसिटी है, प्लस ए आई ए टी टी आई, राइट, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, यहां पे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, राइट। अब यहां पे क्या होगा कि हमने यहां पता करा कि इलेक्ट्रॉन ने यहां पे कोलिजन करी, उसके बाद उसकी स्पीड ऑलमोस्ट जीरो हो गई, वापस दूसरी तरफ गया, दूसरी तरफ वापस कोलिजन करी, वापस इस तरफ आया, यहां कोलिजन करी, इस तरह से कोलिजन करते करते हुए आगे बढ़ रहा है। ओके, तो हर बार उसकी इनिशियल स्पीड तो जीरो ही होनी है। ओके, तो हियर उसकी जो एवरेज इनिशियल स्पीड रहेगी वो हर बार हमें जीरो मिलेगी, तो वो हम जीरो ले लेते हैं, तो वी आई इज इक्वल टू जीरो प्लस ए टी आई। अब यहां पे हमें एक्सेलरेशन जो मिल रहा है वो कितना मिला फ्रॉम इक्वेशन वन, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम टी आई, ये हमें मिल गया। ओके, अब फ्रेंड्स हम दो और नई क्वांटिटी को यहां पे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ने यहां कोलिजन करी, फिर यहां करी, फिर वापस यहां कोलिजन करी, फिर यहां कोलिजन करी, तो जब मान लो उसने यहां पे एक कोलिजन करी, उसके बाद वो दूसरी कोलिजन के लिए जा रहा है, तो कोलिजन से कोलिजन तक उसको जो टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। ओके, टाइम टेकन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। उसने यहां कोलिजन करी, फिर यहां से कहीं और जाएगा, फिर वहां से और कहीं पे जाएगा,
फिर वहां से और कहीं पे कोलिजन करेगा, इस तरह से उसकी कोलिजन होती रहेगी रैंडम डिरेक्शन में. ओके, यहाँ जो कोलिजन करेगा वो T1, फिर यहाँ पे टाइम लगाएगा वो T2, यहाँ टाइम लगाएगा T3, यहाँ टाइम लगाएगा T4, यहाँ टाइम लगाएगा T5, इस तरह से बार बार वो कोलिजन करता ही रहेगा. तो यहाँ पे हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, हमें एक्चुअली टाइम जो रहता है कोलिजन का दैट इज वेरी स्मॉल. टाइम जो रहता है कोलिजन का वो आप सरप्राइज होंगे सुन के, जो कोलिजन टाइम रहेगा वो 10^-14 सेकेंड रहेगा. ओके, उसकी थर्मल स्पीड भी कितनी थी, अप्रोक्सीमेटली 10^5 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड थी. लेकिन यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड जो रहेगी उसकी, वो ड्रिफ्ट स्पीड रहेगी उसकी 10^-4 मीटर पर सेकेंड. जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, ओके, और उसका नेट डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे, तो हमें ड्रिफ्ट स्पीड मिलेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी सॉरी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी रहेगी, तकरीबन 10^-4 मीटर पर सेकेंड के करीब रहेगी. ओके, तो ये चीज हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए. मतलब इतना जरूरी भी नहीं है कि पता ही होनी चाहिए, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि हमारा इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, देखो यहां से यहां गया, फिर यहां कोलाइड किया, फिर यहां कोलाइड किया. तो मान लो जब वो इलेक्ट्रॉन वापस यहां आया है, वन फर्स्ट कोलिजन, सेकेंड कोलिजन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कोलिजन में वो यहां से यही पहुंचा है. तो एक्चुअली उसने जो डिस्प्लेसमेंट करा, मैं यहां ड्रॉ करके बताता हूं. सपोज यहां गया, फिर 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 यहां आया. तो यहां से यहां, अब देखो उसे डिस्टेंस बहुत सारा कवर किया, टोटल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसमें स्पीड ज्यादा आई, थर्मल स्पीड. लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आएगी, फाइनली उसे जो डिस्प्लेसमेंट करा वो इतना ही करा है. ओके, क्योंकि वेलोसिटी का अपना फॉर्मूला क्या आता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला अपना आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो आप देखो कि डिस्टेंस उसने बहुत सारा कवर करा है, राइट, टोटल ऐड करते जाएंगे, बिकॉज हमने 11 में पढ़ा है डिस्टेंस नेवर बीन नेगेटिव, वो ऐड ही तो जाएगा. लेकिन डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे इलेक्ट्रॉन ने मोशन यहां से स्टार्ट करी थी, मान लो फाइनली वो यहां पे है, तो उसने इतना ही डिस्प्लेसमेंट करा है, तो वेलोसिटी ऑलवेज बहुत ही कम रहेगी. और यहां पे एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी आएगी, जो कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, 0.0001 मीटर पर सेकेंड, यानी 10^-4 मीटर पर सेकेंड. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वेलोसिटी जो होगी वो बहुत ही कम होगी, लेकिन स्पीड यहाँ पे काफी ज्यादा रहेगी. लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे थे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की, यानी एवरेज टाइम की, जिसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम. तो टाइम टेकन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन, एक बार कोलाइड हुआ, वापस दूसरी बार हुआ, तो अभी जो कोलाइड हुआ, फिर वापस जब कोलाइड हो रहा है, तो दोनों कोलिजन के बीच के टाइम को हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम. समझ आया फ्रेंड्स, उसको हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम. एक बार कोलाइड करा, फिर वापस जब कर रहा है, वापस कोलाइड कर चुका है अब, तो दोनों के बीच के टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे. ये रिलैक्सेशन टाइम जो है वो किसी किसी कोलिजन के लिए ज्यादा होगा, किसी के लिए कम होगा. आप देखो कि यहां से यहां कोलाइड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, लेकिन यहां पे बहुत कम टाइम लगा, यहां तो और भी ज्यादा टाइम लगा इन दोनों के बीच में, राइट. तो कभी ज्यादा टाइम लगा, कभी कम लगा, कभी बहुत ही कम लगा. ओके, तो एवरेज जो हमारा टाइमिंग आएगा वो कितना आएगा, 10^-4 सेकेंड. ओके, इस तरह से हमें यहाँ पे, मैं यहाँ पे लूंगा T1+T2+T3+ तो हमारा टोटल टाइमिंग जो आएगा, एवरेज टाइमिंग, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम. उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम. तो जितने भी T1, T2, T3 यानी कि I की वैल्यू कितनी आएगी, 1 से लेकर n तक जितने भी हो, तो उनका एवरेज जो आएगा उनको हम यहाँ रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे. अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिख सकते हो द एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन. ओके, टू कंसेक्यूटिव कोलिजन या सक्सेसिव कोलिजन, उनका जो एवरेज होगा, हम जो निकालेंगे ये T1, T2, T3, T4, T5 / 5 अगर 5 हुए तो वो टाइमिंग जो निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम. और एक कोलिजन करी, फिर दूसरी कोलिजन करेगा, तो एवरेज जो डिस्टेंस है उनको हम बोलेंगे फ्री पाथ, उसको हम लैम्ब्डा से डिनोट करेंगे. यहाँ पे जगह है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लैम्ब्डा इज इक्वल टू फ्री पाथ. जब तक कोलिजन नहीं हो रही है, वो जो रास्ता है
उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री पाथ बोलेंगे, फिर तो कोलिजन होगी ही। लेकिन जब तक कोलिजन नहीं हो पा रही है तब तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फ्री पाथ। तो ये अपना पहला फ्री पाथ लेमड़ा वन, ये दूसरा फ्री पाथ यहाँ पे लेमड़ा टू, ये तीसरा फ्री पाथ लेमड़ा थ्री, ये फोर्थ लेमड़ा फोर, लेमड़ा फाइव। इस तरह से पूरा में जो फ्री पाथ मिलेगा उसका जो एवरेज लेंगे उसको हम बोलेंगे मीन फ्री पाथ, उसको हम क्या बोलेंगे, मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ की वैल्यू हमें मिलेगी 10 एंगस्ट्रॉम। ओके, ऑलरेडी हम ये 11th में लर्न कर चुके हैं काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में, कि जो मीन फ्री पाथ आता है वो क्या होता है, हर एक जो उसका पाथ है तो एवरेज पाथ जो बनता है उसको मीन फ्री पाथ बोलेंगे। तो यहां मैंने आपको सारी वैल्यूज बताई कि मीन फ्री पाथ एवरेजली यहाँ पे 10 एंगस्ट्रॉम रहेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपनी 10^-4 रहेगी, थर्मल स्पीड 10^-5 रहेगी, और जो रिलैक्सेशन टाइमिंग रहेगा वो तकरीबन 10^-14 सेकेंड जितना रहेगा। ओके, तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ये जो चीज़ें हैं उनको मैं मिटा देता हूँ जो मैंने अभी आपको यहाँ बताई थी, और अभी हमारे लिए वो इतनी नेसेसरी नहीं है। ओके, क्योंकि मैंने आपको एवरेज कैसे लेना है यहाँ पे वो बता दिया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम मिटा देते हैं और फिर आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमें यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करना है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमें जो एवरेज वेलोसिटी मिली एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन में, जो टाइम एलेप्स्ड हुआ वो हमारा रिलैक्सेशन टाइम आया, और हमें सारी वेलोसिटी की जो एवरेज वेलोसिटी मिली। ओके, यहां पे मैं लिखता हूं एवरेज, तो जितनी भी एवरेज मिलेगी उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, और जितना भी यहां पे एवरेज टाइमिंग मिला, एवरेज टाइमिंग, उसको हम टॉ बोलेंगे। टॉ दैट इज अ रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो यहां हम लिखते हैं ये पूरा जो एवरेज होगा हमारा, ये एवरेज हो जाएगा एवरेज माइनस ई कैपिटल ई बाई एम, और यहां पे भी टी एवरेज। तो यहां पे वी आई एवरेज जो आया वो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगा माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, और यहां पे जो टी आई एवरेज है वो हमारा टॉ कहलाएगा। ये जो टॉ है, वेर टॉ इज, व्हाट इज टॉ, टॉ इज द रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन। कुछ कोलिजन के लिए ज्यादा रहेगा टॉ की वैल्यू, कुछ के लिए स्मॉल रहेगी रिलैक्सेशन टाइम से, राइट। लेकिन एवरेज में जो मिलेगा वो टॉ मिलेगा। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया। ओके, वेयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इज माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टॉ। ओके, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट डिस्प्ले नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे, पहले देखो ब्लैक कलर का पाथ था, लेकिन जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जो इलेक्ट्रॉन पहले बी पे पहुंच रहा था वो भी बी डैश पे पहुंच रहा है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टॉ। तो ये अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला है। मैं इसको मिटा देता हूं और अब हम करते हैं एक जेई का क्वेश्चन, और उसके बाद हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड नंबर ऑफ नंबर डेंसिटी, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलेशन हम डिराइव करेंगे जो कि आपकी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अपना यहाँ पे क्वेश्चन है जेई मेन 2023 में आया है ये। इसमें मैं बोला गया है कि इन अ मेटलिक कंडक्टर अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे कंडक्टर में उनके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है, राइट। पहला ऑप्शन है ड्रिफ्ट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये तो गलत है। हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑलवेज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ मोशन करता है, तो ये तो आएगा ही नहीं, राइट। मूव इन द कर्व्ड पाथ फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो ये करेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया था, ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि उसकी मोशन तो स्ट्रेट में दिखाई गई है, लेकिन अगर हम बहुत ही डिटेल में देखें तो उसकी मोशन रैंडम तो होती है लेकिन साथ में स्ट्रेट होती है, वो भी जरूरी नहीं है, दैट इज द कर्व्ड पाथ। तो कर्व्ड पाथ रहेगा, और ये तो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था
कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम अ लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, राइट? और थर्ड फोर्थ ऑप्शन तो आएंगे नहीं, ये अपना आंसर आ गया है. ओके, तो इस तरह से हमें इसको एनालाइज करना है और ध्यान भी रखना है कि इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ट्रैवल करते हैं और उसका जो पाथ होता है कोलिजन के टाइम वो कैसा, वो रैंडम तो होता ही है, साथ साथ में वो थोड़ा कर्व्ड भी होता है. ओके, तो अब हम करते हैं रिलेशन. किनका रिलेशन? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट डेंसिटी के साथ रिलेशन क्या है, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंडक्टिविटी के साथ क्या रिलेशन है, एरिया के साथ क्या रिलेशन है, वो डिफरेंट डिफरेंट हमें यहाँ रिलेशन ऑप्टेन करने हैं. तो इसको मैं मिटा देता हूँ और हम अपनी जो नई थियोरी है वो स्टार्ट करते हैं. ये जो थियोरी हम करने जा रहे हैं वो जेई और नीट दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट? और आपके स्टेट बोर्ड में जो अगर एमसीक्यू आ रहे हैं तो उनके लिए भी ये जो फॉर्मूला रहेंगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेंगी. सपोज कर लो हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, राइट? हमारे पास ये कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, जिसका लेंथ हम एल ले लेते हैं, डिस्टेंस डी. और ये डिस्टेंस डी हमारा कितना आएगा? ड्रिफ्ट स्पीड इंटू टाइम जितना, क्योंकि हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये कंडक्टर की लेंथ है उसको मान लो डिस्टेंस मान लेते हैं, तो क्या जाएगा? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. तो डेल्टा एक्स हमें मिल जाएगा वी डी डेल्टा टी, इस तरह से. इसीलिए अपनी एनसीईआरटी में भी यहाँ लिखा है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी डी डेल्टा टी. अब मान लो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा ई जितना, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और हमने यहाँ पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके अपोजिट मोशन करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरफ का स्टार्ट होगा. ओके, तो पहले तो अगर बोर्ड में ये थ्योरी आती है तो मैं लिख देना होता है कि कंसीडर वन कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ एल. एल लेंथ का हमने यहाँ पे कंडक्टर लिया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, एंड एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इनसाइड द कंडक्टिंग वॉल्यूम. कंडक्टर का जो वॉल्यूम है उसके अंदर मोशन कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर डेंसिटी हमें कितनी मिलेगी? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन, नंबर डेंसिटी बोलते हैं कितने नंबर कितने वॉल्यूम में. नंबर डेंसिटी किस तरह से डिफाइन होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में कितने नंबर है उसको हम बोलेंगे नंबर डेंसिटी. क्योंकि छोटी सी जगह में बहुत सारे चार्ज भी हो सकते हैं या बहुत बड़ी जगह में बहुत कम चार्ज भी हो सकते हैं, इसलिए नंबर डेंसिटी का यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंस रहेगा. नंबर डेंसिटी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि थर्मल टेम्परेचर पे जो फिक्स आयन्स होते हैं उनकी भी मोशन होती है. फिक्स्ड हैवी आयन्स आर ऑल्सो मूव. अगर वो भी मूव कर रहे हैं फिर इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा है तो रिडक्शन टाइम हमारा डिक्रीज होगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिडक्शन टाइम डिक्रीज होगा. ये सारी चीजें बहुत ही मैटर करती है इसीलिए. ओके, तो नंबर डेंसिटी यहाँ पे हमारी क्या आई? एन बाई वी. तो कितने नंबर होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के वो हमें मिल जाएगा एन इंटू वी से. ये वी हमारा वॉल्यूम रहेगा इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ. ओके, वी फोर वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमारा क्या आएगा? ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू उसकी पूरी लेंथ. तो लेंथ यहाँ पे हमने क्या बता रखी है? डेल्टा एक्स. तो यहाँ पे नंबर हमें मिल जाएंगे एन, वी की जगह पे हम क्या रख देंगे? वी की जगह पे हम रखेंगे ए डेल्टा एक्स. लेकिन डेल्टा एक्स ऑलरेडी हमने डिराइव कर चुके हैं यहाँ पे. डेल्टा एक्स हमारा क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड इंटू टाइम. तो एन इज इक्वल टू एन ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लेते हैं डेल्टा वी डेल्टा टी, इस तरह से मिल जाएंगे. ओके, ये तो हमारे एक इलेक्ट्रॉन के लिए आया. अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैल्यू एन ए वी डी डेल्टा टी है. एन इलेक्ट्रॉन होंगे तो एन टाइम्स उसकी वैल्यू आएगी, राइट? तो सपोज करो कि लेट डेल्टा क्यू चार्ज फ्लोज इन डेल्टा टी टाइम. डेल्टा टी टाइम में यहां से डेल्टा क्यू जितना चार्ज फ्लो कर रहा है, और चार्ज का हमारा फॉर्मूला क्या आता है? क्यू इज इक्वल टू एन ई, जो हमने चैप्टर वन में पढ़ा था, राइट? अब मैं क्या करूं, ये एन की वैल्यू यहां लगा दूं तो क्या आएगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन की वैल्यू यहां रख देते हैं एन ए वी डी डेल्टा टी, ये वैल्यू हमारी आ गई, राइट? और ई तो है ही है,
ई की वैल्यू है ये अपनी यहाँ पे, ओके। अब अगर हम डेल्टा टी को यहाँ पे नीचे ले आते हैं तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी अपना क्या आ जाएगा, करंट एन ए वी डी जिस तरह से है उस तरह से है ही। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी यहाँ पे अपना आता है इलेक्ट्रिक करंट, एवरेज करंट की डेफिनेशन ही है, राइट। आई इज इक्वल टू एन ई वी ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया ये अपना, राइट। आई इज इक्वल टू एन ई वी डी ए, नेवा, नेवा इस तरह से आपको याद रखना है, आई इज इक्वल टू नेवा, ओके। या आप अपना कुछ और भी बना सकते हैं, ओके, अवनी, अवनी इस तरह से भी आप बोल सकते हैं इसको, राइट। लेकिन कुछ भी करो, ओके, जिस तरह से भी याद रखो, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, क्योंकि इसके ऊपर जेई में, नीट में, आपके बोर्ड्स में भी आ चुके होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, राइट। इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, ओके। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसा रहता है, माइनस। तो अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माइनस ले लें, माइनस ई, ओके, और वो हम बाद में करते हैं, एक और फॉर्मूला यहां से हम लाते हैं। अगर हम एरिया को नीचे ले लेते हैं यहां पे आई बाई ए वी डी एन ई, तो यहां हमें एक फॉर्मूला मिली, जे इज इक्वल टू वी डी एन ई, ये दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके। यहां पे हमें ये फॉर्मूला मिल गई, जे डी इज इक्वल टू सॉरी जे इज इक्वल टू वी डी एन ई। तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जब हमें बता रखा हो करंट डेंसिटी, ओके। अगर क्वेश्चन में करंट एरिया ना देके डायरेक्टली अगर करंट करंट डेंसिटी बता रखी है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज आता है माइनस, तो हम इसको ले लेते हैं माइनस ई एन वी डी। बट दो फॉर्मूला हमें पता है, हमने लास्ट लेक्चर में वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ करा था, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हमारा क्या आया था, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये रिलेशन लेके आए थे। और दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हमें मिला था, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टॉ, ये रिलेशन मिला था, ओके। तो अगर हम ये दोनों की वैल्यू इसके अंदर प्लेस कर देते हैं, ये इक्वेशन में दोनों की वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं, तो जे हमें क्या मिला, सिग्मा ई मिला, ओके। और माइनस ई तो है ही, एन भी है ही, लेकिन वी डी की वैल्यू हमें यहां पर मिली माइनस ई कैपिटल ई तो डिवाइड बाय एम। ई से ई कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी सिग्मा हमें मिला एन ई स्क्वायर तो डिवाइड बाय एम। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला ये, मिला रिलैक्सेशन टाइम और कंडक्टिविटी, नंबर डेंसिटी का रिलेशन, ओके। बहुत सारे क्वेश्चन हम इसके ऊपर से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और एक और बात कि यहां पे हम एक काम करते हैं, हमें पता है कि कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। लास्ट लेक्चर में हमने पूरे ये बेसिक सारी चीजें डिस्कस करी थी कि कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना फ्रेंड्स। तो यहां पे अगर हम कंडक्टिविटी की जगह पे रेजिस्टिविटी ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा एन स्क्वायर टॉ बाई एम। उसको उल्टा कर देंगे तो रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो मिल जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला आया किसका, रेजिस्टिविटी का, ओके। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टो। यानी यहां पे हमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हैं उनको मैं रेड कलर से वापस हाईलाइट कर रहा हूं, वो आपको ध्यान रखने। तो ये फॉर्मूला अपना आई इज इक्वल टू एन ई वी डी ए, दूसरा ये फॉर्मूला J इज इक्वल टू वी डी एन ई। और फ्रेंड्स ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, आप उनके ऊपर एरो लगा सकते हो। गलती से मुझे I के ऊपर लग रहा था एरो, वी डी ए यहाँ से A वी डी, ओके, J वी डी, J E वी डी E, ये सारी हमारी वेक्टर क्वांटिटी, फिर तो चलेगा, फिर तो सब सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं, ओके। तो ये सारे रिलेशन हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ओके। और ये जो फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला मैंने यहाँ बताई, ओके, और एक ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, दिस ऑल फॉर्मूलाज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम आगे जाके ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं
कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, तो आपको ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। देखो सपोज करो हमारे जो कोलिजन हो रहे थे, यहां से यहां कोलिजन हुआ, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ई इज इक्वल टू 3/2 kBT। टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, अगर एनर्जी बढ़ गई तो स्पीड भी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो जितना समय पहले इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचने में लेता था, स्पीड बढ़ने पे कम समय लेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ा तो रिलैक्सेशन टाइम टॉ कम हुआ, टॉ कम हुआ और बाकी सब अगर कॉन्स्टेंट है तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी कम होगी, कंडक्टिविटी कम होगी। ओके तो देखो ये रहा, अगर टाइम कम हुआ रिलैक्सेशन टाइम तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। तो ये सारे रिलेशन हम लर्न करने वाले हैं वापस, इसलिए आपको ये फॉर्मूलाज जो है वो सारे याद रखने होंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन हमारा मान लो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में मोशन कर रहा है, तो भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लो अभी तो हमारा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन था, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में मोशन करता है तो हम उसको किस नजरिए से देख सकते हैं। देखिए ये हमारा एक नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है इस तरह से, राइट। मान लो यहां पे करंट आई अपना फ्लो कर रहा है, करंट आई आई आई। अब आप मुझे बताओ, आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा कम एरिया में से ज्यादा एरिया वाले क्रॉस सेक्शन की तरफ जाएगा तो स्पीड बढ़ेगी, कम होगी या सेम रहेगी? बताओ, स्पीड कम होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी या कांस्टेंट रहेगी स्पीड? ओके तो जैसे कि हमें पता है, अभी अपने हमने फॉर्मूला लिख रखा है I इज इक्वल टू एन ई वी डी ए। ओके करंट थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है, सीरीज हो कनेक्शन तो राइट, पूरा एक ही कंडक्टर है तो करंट तो कांस्टेंट रहेगा, करंट कांस्टेंट, नंबर डेंसिटी और ई को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सारी चीजें कांस्टेंट आ गई तो वी डी इंटू ए हो गया, यानी कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके आगे जाते हुए अगर एरिया इंक्रीज हुआ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी, समझ आया? यानी अगर इस तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो स्पीड डिक्रीज होगी और इस तरफ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि अगर A1 ग्रेटर देन A2 है तो V1 लेस देन V2 रहेगा, ये बात आपको आइडिया रखनी है। ओके और हम बात करते हैं करंट डेंसिटी J की, अगर इसी फॉर्मूला में अगर मैं A को नीचे ले आता तो I बाई A इज इक्वल टू एनी वी डी हो जाता, I बाई A J आता है, एनी तो कॉन्स्टेंट है तो J प्रपोर्सनल टू वी डी, यानी अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ी तो करंट डेंसिटी भी बढ़ेगी, अगर यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ रही है तो करंट डेंसिटी भी अपनी बढ़ेगी। और आपको रिलेशन दिखाता हूं, J इज इक्वल टू सिग्मा E आता है। ओके कंडक्टिविटी यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगी, अगर कंडक्टिविटी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, कंडक्टर मटेरियल एक ही है तो पूरा तो J प्रपोर्सनल टू ई हो जाएगा, अगर करंट डेंसिटी इंक्रीज हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। तो इस तरह से रिलेशन में आपको बहुत कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या चीज कॉन्स्टेंट है, कौन सा रिलेशन बन रहा है, इसके ऊपर फोकस करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजीली हल करोगे आप, राइट। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको मिटा के दो जेई के और एक नीट के क्वेश्चन हम करते हैं। ओके तो हम करते हैं क्वेश्चन। ओके हमने यहां पे तीन क्वेश्चन लिखे हैं, तीनों हमें यहां पे सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है अपना नीट 2021 का, उसमें आया और फॉर्मूला पता हो तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। देखिए कॉलम वन और कॉलम टू में कॉलम को मैच करने हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आता है वो हमें पता करना है। तो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन में पता है VD = -E कैपिटल E / M * tau, अभी हमने पढ़ा था। तो कौन सा मैच कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, E कैपिटल E tau / M, ये रहा राइट। यानी कि A के साथ R आना चाहिए, A के साथ R, लेकिन सारे ऑप्शन में है ना, आगे बढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हमारी यहाँ पे क्या आएगी, तो हमें ये फॉर्मूला पता है J इज इक्वल टू सिग्मा E, सिग्मा कंडक्टिविटी क्या आती है 1/रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के ऊपर लेंगे E / J,
यानी रो के साथ अपना क्या मैच हुआ, ई बाई जे, यानी कि बी के साथ एस, ए के साथ आर भी आया, बी के साथ एस भी आया, चलो दो बातें कंफर्म हो गई। अब ये करंट डेंसिटी जो है वो हमारे लिए इजी रहेगा, ये आता है ना, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, तो डी के साथ क्यू, डी के साथ क्यू, तो यही ऑप्शन मैच कर रहा है, राइट, तो हमारा आंसर आ गया ए, ओके, बाकी का भी आप वेरीफाई कर सकते हो इस तरह से, राइट। तो इस तरह से अगर आपको फॉर्मूला अगर लर्न है, एनसीईआरटी आपने अच्छे से की है, तो बहुत इजीली क्वेश्चन बनेंगे। ये दोनों जो जेई के हैं वो भी एनसीईआरटी बेस ही है, इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको जोर दे के कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करिए। जितनी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपके लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे, आपके बहुत सारे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से करनी है, इसलिए मैं आपको इस तरह से करा रहा हूँ कि पहले एनसीईआरटी के सारे थियोरीज और उसके बाद जो पीवाईक्यू है, इसलिए मैं पीवाईक्यूज करा रहा हूँ, राइट, ताकि आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाए और आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि जो हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। अब देखो ये अपना एक जेई मेंस का क्वेश्चन है, तो ये मैं मिटा देता हूँ जो भी हमने करा, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आई बता रखा है, एरिया बता रखा है एमएम स्क्वायर में, एक एमएम यानी 10^-3 आता है, -3 मीटर उसका होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25 × 10^-6 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। मीटर क्यूब बता रखा है नंबर डेंसिटी, वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता करनी है हमें इन द मल्टीपल ऑफ 10^6, राइट। तो आई इज इक्वल टू नेवा, ओके, ये हमने करा था। अब देखो हमारे पास हमें फाइंड करना है यहां पे VD, तो I अपॉन क्या आ जाएगा, I अपॉन एन ई ए, आई कितना है, I हमारे पास यहां पे 2 एम्पियर, N कितनी है नंबर डेंसिटी 2×10^28, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6×10^-19 और एरिया 25×10^-6। तो 2 से 2 कट जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1/1.625 करना पड़ेगा, तो यहां करता हूं मैं 25 1 6 5 2 15 400, और एक पॉइंट कटेगा तो 40 आएगा, तो इसका हमारा 40 आया, 28 -19 -6 क्या होगा -25 +28 -25 +3 +3, और ये 4 का एक जीरो काट लेंगे तो इसको हम 4 कर लेंगे, ओके। 1/4 क्या आता है 0.25 × 10^-4, 2 डिजिट हम यहाँ पे खिसकेंगे तो -6 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, हमें -6 के मल्टीपल में फाइंड करना था, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, -6 आएगा, हमें -6 के मल्टीपल में फाइंड करना था, तो आंसर क्या आएगा 25, ओके, आंसर हमारा आ गया 25, राइट। हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलवेज माइनस के मल्टीपल में आएगी, ओके, थर्मल स्पीड थोड़ी ना है कि प्लस में आएगी। अब देखो सेम क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो या मैं करा देता हूं, आई इज इक्वल टू एन ई वी डी ए, वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए, पप्पू क्वेश्चन है दोनों एकदम सिंपल, आई 3.2 अपॉन एन 8×10^28 1.6×10^-19 और एरिया जो है अपना 2×10^-6, तो 16×2=32 होता है, 2 कैंसल, 1/8 कितना था 0.125 और यहाँ पे 28 माइनस वापस वही -25 +28 −25 +3 ऊपर आएगा -3 और 3 डिजिट किसेंगे 4, 5, 6 तो 125×10^-6 वीडी, राइट। तो यहां हमारी वीडी की वैल्यू कितनी आई 125, ये 125 इस तरह से मिल जाएगा। तो ये हमने यहां पे 3 क्वेश्चन किए, अब हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं अपना मोबिलिटी, मोबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मोबिलिटी और एक नीट का क्वेश्चन हम करेंगे, तो मैं इसको मिटा के फिर हम स्टार्ट करते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो मोबिलिटी हमारा नया टॉपिक है, मोबिलिटी दोस्तों, मोबिलिटी जो है उसका मीनिंग होता है मोबाइल चार्ज कैरियर, कोई भी मटेरियल हो
उसमें जो चार्ज फ्लो होता है वो आयंस हो या चार्ज के फॉर्म में हो, तो उनको हम मोबाइल चार्ज करियर बोलते हैं। ओके, उसी के ऊपर से तो अपना मोबाइल फोन आया है, राइट। तो मेटल्स अगर रहेंगे तो मेटल्स में किसकी वजह से चार्ज फ्लो करेगा? मेटल में फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन की वजह से। यानी कि मेटल में हमारे मोबाइल चार्ज करियर्स कौन रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अगर हम लें, इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट में कौन रहेगा? पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। ओके, अगर हम आयनाइज गैस लेते हैं तो उसके अंदर कौन रहेगा? तो इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन्स। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, जो कि हम चैप्टर 14 में पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल में, तो सेमीकंडक्टर में कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जो होल्स हैं वो क्या हैं? तो होल्स दैट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उनको हम ऐसा होल कंसिडर करेंगे, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस में। तो इतनी बातें आपको यहाँ पता होनी चाहिए कि मोबिलिटी में कि इनकी वजह से करंट फ्लो होता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स में, राइट, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में। अब हमें यहाँ पे करना है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा उसका फॉर्मूला, और मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ओके, इसको हम इक्वेशन वन बोल देते हैं। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करा जाता है। अब पहले हम इसका यूनिट क्या है वो डिराइव कर लेते हैं। तो मोबिलिटी का यूनिट क्या आएगा फ्रेंड्स? वेलोसिटी का अपना है मीटर पर सेकेंड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का है वोल्ट पर मीटर, तो मीटर ऊपर आ जाएगा, सेकेंड अपना नीचे आ जाएगा। तो म्यू हमें मिलेगा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, राइट। इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला भी डिराइव करते हैं। पहला एक प्रैक्टिकल यूनिट है जो हम ज्यादातर यूज करते हैं प्रैक्टिकली, तो उसका यूनिट क्या आएगा? वन मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होल स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। तो म्यू इज इक्वल टू हमें यहां मिलेगा 10^2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। ओके, तो मोबिलिटी का ये हमें प्रैक्टिकल यूनिट मिल गया, वो 10^4 टाइम्स ज्यादा है इसके मुकाबले। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला उसकी लिखें, डायमेंशनल फॉर्मूला वो हम डिराइव करते हैं, मोबिलिटी के डायमेंशन फॉर्मूला क्या है वो भी आ सकती है एग्जाम में। पहले हम वोल्ट का वापस डिराइव करें तो क्यू बाई वी आता है, तो m1L2T-2/A1T1। ओके, m1L2 ये T1 ऊपर आएगा तो T-3 हो जाएगा, A1 ऊपर आएगा तो A-1 हो जाएगा। तो ये वोल्टेज का ऑलरेडी हम चैप्टर 2 में पता कर चुके हैं, तो इसीलिए अब हम यहाँ पे रखते हैं पहले मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का क्या आएगा? L2 डिवाइड बाय वोल्टेज का हमें मिलेगा m1L2T-3A-1 इंटू सेकेंड का हमें मिलेगा T1। L2 से L2 कट जाएगा, M1 ऊपर आएगा, M-1। ओके, T-3+1-2 ऊपर आएगा तो +2, L तो है ही नहीं, L0, T+2, A-1 ऊपर आएगा तो A^1। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया मोबिलिटी का। अब देखो मोबिलिटी, आप देखो यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि मोड में है। मोबिलिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, अब हम क्या करें, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वैल्यू का मीनिंग है उसकी इक्वेशन। ओके, जो कि क्या आई थी, माइनस ई कैपिटल ई बाय एम इनटू टॉ, लेकिन हमने मोड में लिया हुआ है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, तो इसको रखेंगे इक्वेशन 1 में।
तो क्या मिल जाएगा हमें, म्यू इज इक्वल टू वी डी ई कैपिटल ई टॉ बाई एम होल डिवाइड बाई कैपिटल ई। ओके, तो एम नीचे आ जाएगा तो ई कैपिटल ई टॉ बाई एम ई, ई से ई कट जाएगा तो म्यू हमारा हो जाएगा ई टॉ बाई एम। ये हमारी फॉर्मूला आ गई, म्यू इज इक्वल टू ई टॉ बाई एम वेयर टॉ इज अ रिलैक्सेशन टाइम। ओके, इस तरह से हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू मिल जाएगी, म्यू इज इक्वल टू ई टॉ बाई एम। फ्रेंड्स इसी के ऊपर, इसी फॉर्मूला के ऊपर तो ये नीट 2020 का क्वेश्चन अपना फेज वन का, जिसमें हमें क्या बोल रखा है, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, तो यहाँ पे हम ऑप्शन लिख सकेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता रखी है 7.5 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड 3×10⁻¹ वोल्ट पर मीटर, हमें फाइंड करनी है मोबिलिटी। ए ऑप्शन है 2.5×10⁶, बी ऑप्शन है 2.5×10⁻⁶, थर्ड ऑप्शन 2.25×10⁻¹⁵ मीटर पर सेकेंड, 2.25+15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें बहुत इजीली ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, वी डी अपॉन ई, वी डी क्या है अपना 7.5×10⁻⁴, ई अपना है 3×10⁻¹। पप्पू सा क्वेश्चन एकदम, 5 का डिजिट हम इस तरफ मूव करेंगे तो -5 होगा और 3 -10 होगा, तो 20/3=75, तो 25 -5+10, तो 25+10-5, 5 एक डिजिट मूव करेंगे तो 10⁶, राइट। म्यू क्या आएगा यूनिट, तो यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड, इसका वोल्ट पर मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन मैच हुआ ए, 2.5×10⁶ मीटर पर मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। तो आज का लेक्चर हम करते हैं समाप्त, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। इसके नोट्स आप नीचे से एक्सेस कर सकते हो और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए लेक्चर में।